गाइस ये वही वर्कशॉप है जहाँ से हमारे प्यारे चिंतामणि एक नए रूप में और नए आकार में हमारे सामने आते हैं। मैंने बोला गणेश संकुल भी गाइस पूरा बन के रेडी, बस पीछे से भी वो सब बंद कर देंगे और इधर से हिस्सा गणेश संकुल। अरे गाइस खेतवाड़ी सा मोरिया की भी ट्रॉली आ चुकी है इधर गणेश संकुल में। पापा की छोटे छोटे एकदम प्यारी सी मूर्तियाँ। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल प्रथम पटेल द अनदर ब्लॉग। तो गाइज आज हम फिर से जा रहे हैं पापा नगरी लालबाग में। तो गाइज आज की कुछ नई अपडेट जो भी होगी ना वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा उधर जाके, अभी तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो गाइज आज मैं उतरने वाला हूँ संत गाड़गे महाराज चौक, क्योंकि मुझे ना अपना विजय आर खातू का है ना दिखाना है स्टूडियो कि वो कैसा बन के तैयार हुआ है कि नहीं। मैंने सुना कि बना है तो वो आपको ज़रूर दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहना। फाइनली पहुँच चुके हैं मोनर स्टेशन पे, अभी फटाफट जाते हैं। तो गाइस एकदम है ना सही टाइम पे पहुंचा एकदम प्रॉपर। जैसे गाइस देखो अभी लिफ्ट से ऊपर आया और डायरेक्ट मोनरेल देखो सामने। तो गाइस चलो बैठते और सीधा आपको सीधा मिलते संत गाड़गे महाराज से। गाइस मेरी टाइमिंग है ना एकदम सही होती है देखो बैठते। 2000 years later. तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका संत गाड़गे महाराज चौक। अभी गाइस हम मुझे पहले जा रहे हैं विजार खातू वर्कशॉप दिखाने के लिए। तो गाइस चलो वहां पे भी जाके देखते हैं क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम चालू है, तो चलो आपको दिखा दें। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टूडियो विजार खातू वर्कशॉप। तो गाइस देख सकते ये है विजय खातू का वर्कशॉप। तो देखो इधर से इतना ही अभी तक बना है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। देखो गाइस ये वही वर्कशॉप है जहाँ से हमारे प्यारे चिंतामणि एक नए रूप में और नए आकार में हमारे सामने आते हैं। देख सकते ये है वर्कशॉप और अभी ये वर्कशॉप का पूरा काम चालू है, जैसे कि मंडप विंडप लगाना है। देखो मंडप बनाना बाकी अभी तक, इधर से इतना देखो अभी तक बनना चालू हुआ है। देखो पूरा गाइस देखो। तो गाइज मैंने जैसे कि आपको स्टूडियो विजार खातू का वर्कशॉप दिखा दिया है, तो गाइज अभी तक बन रहे हो तो जब प्रॉपर बनेगा उसका भी मैं एक अलग ब्लॉग दूंगा। और गाइज अभी हम जा रहे हैं लोअर पर है, तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे भी क्या नहीं अपडेट है और वहाँ पे आपको मिलते हैं। 5 minutes later. तो गाइज फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ परेल वर्कशॉप, जैसे कि परेल वर्कशॉप मेरे पीछे ही है। तो गाइज देखते अभी परेल वर्कशॉप में क्या है वो मैं सब आपको दिखा देता हूँ। चलो ये है हमारा परेल वर्कशॉप, देख सकते हैं 2024 का। गाइस देख सकते हैं परेल वर्कशॉप में गाइस देखे पापा की इतनी सारी मूर्तियां अभी सब बनना चालू हो चुकी है। ये देखो पापा के बड़े बड़े पार्ट पूरे देखो। और गाइस और एक ट्रॉली आई है जो मैं दिखा देता हूँ देखो आपको, खेतवाड़ी सा मोरिया। देखो गाइस खेतवाड़ी सा मोरिया की भी ट्रॉली आ चुकी है इधर। ये देखो गए साल की तरह खेतवाड़ी सा मोरिया भी ये टाइम वो परेल वर्कशॉप में ही बनने वाला है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मलाड़ सा है ना, मलाड़ सा राजा भी इधर ही आने वाला है। देखो गाइस जैसे कि ट्रॉली आ चुकी है यहाँ पे, मलाड़ सा ही राजा है ना, मेरे को समझ नहीं रहा क्या लिखा है। हाँ वही मलाड़ सा ही है शायद। और गाइस देख सकते हैं ये है परेल वर्कशॉप पूरा अभी तक, अभी ना गाइस थोड़ा थोड़ा करके भर रहा है। देखो और एक ट्रॉली पर, यह ट्रॉली पता नहीं कौन सी है। देखो गाइस पीछे के साइड में ना एकदम छोटे छोटे पापा की मूर्ति है जो मैंने पहले दिखाया था आपको, ये भी यहाँ पे सब वर्क चालू हो चुका है सब छोटे छोटे गणपति का। और गाइज ये है पीछे से पूरा परेल वर्कशॉप जैसा देखने जाए तो। अरे वो तो गाइज खेतवाड़ी सा मोरिया जैसे कि गए साल का उसका लुक परेल वर्कशॉप से बहुत प्यारा निकला था, अभी ये साल का 2024 का लुक कैसा रहता है परेल वर्कशॉप को आपको ये साल जरूर देखने मिलेगा। क्योंकि गाइज देख सकते ट्रॉली ऐसा है इधर ही है खेतवाड़ी सा मोरिया इसकी, अभी देखते हैं फिर आगे देख के क्या होता है। गाइज बड़े बड़े पापा की मूर्ति के ना थोड़े थोड़े बनना चालू हो चुका है। देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो गाइज पापा की मूर्ति यहाँ पे बनना चालू हो चुकी है, फुल काम भी चालू है अभी से। देखो अभी तो गाइस ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके पूरा परेल वर्कशॉप भरने वाला है बापा के मूर्तियों से। बापा के बड़े बड़े साँचे भी आ चुके हैं, अभी सब काम चालू है पार्ट बिट बनाने का, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति बनाने का काम चालू है, ये साइड में भी ये करने का काम चालू है और यहाँ पे भी पूरा बापा के साँचे पीछे का काम चल रहा है देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो
मैम बहुत फास्ट काम चले परेल वर्कशॉप में, बहुत फास्ट। ये देखो देखो गाइस, जैसे कि अभी और अभी टाइम पॉइंट में सब ये सब निकालने का काम चालू है, पूरे साइड में मूर्तियाँ सब रखने का काम चालू है। तो गाइस इतना ही है परेल वर्कशॉप में अभी के लिए। तो गाइस परेल वर्कशॉप का मैंने जो भी अपडेट है वो सब आपको दे दिया, कितने कौन सी पापा की ट्रॉली आई है वो सब। और गाइस जैसे कि मैंने बोल दिया खेतवाड़ी सा मूर्या मलाड़ सा राजा, ऐसे सारे गणपति बापा की मूर्तियाँ परेल वर्कशॉप में बनने वाले हैं, और कौन से मूर्तियाँ आने वाले हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अभी हम जाते हैं गणेश संकुल में, देखते हैं कुछ अपडेट मिलता है कि नहीं। मेज भी आपको दिखा दिया था, परेल सा विघ्नहर था। और गाइस देखो छोटे छोटे बापा की मूर्ति यहाँ पे मिलेगी। तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से। गणेश संकुल भी भाई पूरा बन के रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। गाइस अभी यहाँ पे छोटी मूर्तियों का जो भी है वो देखो, छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे है। और गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये हो गया छोटे गणपति बापा की मूर्तियों का। जो गाइस पूरा गणेश संकुल बन के रेडी हो चुका है। ये जो जगह है ना, इतनी जगह पे पूरे बापा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रहेगी, और यहाँ पे छोटे छोटे मूर्तियों का गाइस घरगुती गणपति का। देखो बापा के पूरे साँचे बन के रेडी है। देखो गाइस बड़े बड़े साँचे, यहाँ पे काम भी चालू है। और देखो गाइस ये नया वाला भी हो गया, ये कर दिया है बापा के मूर्तियों का। गाइस देख सकते हो छोटे छोटे बापा की प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। देखो गाइस गणेश संकुल में पापा के छोटे छोटे पापा के छोटे छोटे एकदम प्यारी सी मूर्तियाँ साइड में भी है। ये साइड में पापा की छोटी छोटी मूर्तियों का कलर पेंटिंग सब बाकी है। देखो इधर मैंने बोला गणेश संकुल भी गाइस पूरा बन के रेडी है, बस पीछे से भी वो सब बंद कर देंगे। और इधर से ही था गणेश संकुल का ये पहला गेट है, और दूसरा गेट वो साइड में जो कि मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ से बड़ी बड़ी पापा की मूर्तियाँ निकलती है, यहाँ से भी निकलती है मतलब। तो फाइनली गाइस मैंने जैसे कि गणेश संकुल, विजय आर खातू और परेल वर्कशॉप तीनों दिखा के हो चुका है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, तो मिलते हैं मुंडर के यहाँ पे। आपको बोल रहा था अगर आपको परेल वर्कशॉप आने तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे करी रोड रेलवे स्टेशन है, और उसके वो साइड में है ना परेल लोअर परेल है। तो आपको क्या करना है, वो ब्रिज से इधर से आना है। अगर आप करी रोड से भी आते हो तो करी रोड से ऊपर चढ़ना है, और इधर से सीधा इसी जाना है। देखो ये पूरा ब्रिज है ना, यहाँ से किसको पूछेंगे ना परेल वर्कशॉप या फिर गणेश संकुल है किधर, तो उन लोग बता देंगे। तो आपको सीधा सीधे जाना है तो उधर ही आपको आ जाएगा। और परेल स्टेशन है ना रेलवे स्टेशन, उसके पीछे देखो, इसके पीछे ऐसा सीधा सीधा आपको आना है। ये सिग्नल दिखेगा ना, ये सिग्नल से ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ना, आपको ये रास्ते से सीधा सीधे जाना है, और जैसे मैंने बोला वैसे आपको उधर पहुँचना है। अपनी सवारी आ चुकी है, तो गाइस फटाफट बैठते हैं। एक चीज दिखा रहा हूँ, इधर पूरे बादल क्लीन, और इधर देखो पूरे काले काले बादल, और इधर पूरा क्लियर आसमान। देखो खतरनाक डेंजर आसमान बन गया है। देखो उधर का और इधर में फर्क देखो गाइस, खतरनाक नजारा बन गया है। इधर के बादल देखो, देखो इधर पूरा धूप और उधर से पूरे बादल आ रहे हैं। देखो एकदम काले काले बादल और इधर पूरा धूप। देखो ऊपर भी तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका है यहाँ पे। तो गाइस आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी वीडियो आपके लेके आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड बाय। गणपति बप्पा मोरया।